कंगना रनौत को यूं ही बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन नहीं कहा जाता। कंगना कभी अपने बोल्ड स्टेटमेंट को लेकर तो कभी अपने अफेयर्स को लेकर कंट्रोवर्सी में हमेशा बनी रहती हैं। फिल्मों में आने से पहले कंगना का इस ग्लैमर की दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर जब से इन्होंने अपने करियर में सफलता हासिल की है तब से लेकर ये आज तक सुर्खियों में बनी रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कंट्रोवर्सीज में से एक कंट्रोवर्सी से रूबरू करवाने वाले हैं, जो है कंगना के अफेयर्स के बारे में। अगर आप भी इस इंटरेस्टिंग बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही बॉलीवुड की क्वीन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 5, आदित्य पंचोली। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अभिनेता आदित्य पंचोली का। कहा जाता है कि जब कंगना अपने फिल्मी करियर में स्ट्रगल कर रही थी तभी उनकी मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई थी। हालांकि आदित्य पहले से शादीशुदा और कंगना से उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े थे, लेकिन उम्र का फासला इन दोनों को एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार होने से नहीं रोक सका। काफी समय तक दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह भी रहे, लेकिन कहा जाता है कि आदित्य ने कंगना के साथ मारपीट की थी जिसके चलते दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। कंगना ने आदित्य के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। नंबर 4, अध्ययन सुमन। जब आदित्य पंचोली से ब्रेकअप हुआ तब कंगना टूट सी गई थी, जिसके बाद एक दिन कंगना की मुलाकात राज 2 के सेट पर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। कहा जाता है कि शेखर सुमन को अध्ययन और कंगना का रिश्ता पसंद नहीं आया और उन्होंने एक दफा मीडिया में ये बयान भी दिया था कि कंगना के लिए अध्ययन का प्यार नहीं बल्कि आकर्षण था। उधर अध्ययन ने भी बयान दिया था कि वो फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। नंबर 3, अजय देवगन। अध्ययन से रिश्ता खत्म होने के बाद कंगना ने अजय देवगन के साथ फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में काम किया और इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कंगना अजय के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन अजय अपनी पत्नी काजोल को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बताया जाता है कि कंगना ने अजय को अपनी कलाई काटने की धमकी भी दी थी। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी इस पर दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा। नंबर 2, निकोलस लाफर्टी। लगातार 3 अफेयर्स में धोखा खाने के बाद कंगना का नाम निकोलस लाफर्टी नाम के एक ब्रिटिश डॉक्टर के साथ भी जुड़ा। बताया जाता है कि निकोलस कई बार मुंबई आए और कंगना को कई बार उनके साथ देखा गया। हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चंद दिनों का मेहमान निकला। नंबर 1, ऋतिक रोशन। जब ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन से तलाक लेने का इंतजार कर रहे थे उसी दौरान कंगना के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरों ने सबको हैरत में डाल दिया था। कंगना ने सरेआम इस बात को कबूल किया था कि ऋतिक के साथ उनका अफेयर है, लेकिन ऋतिक ने इससे साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, कंगना ने ऋतिक पर कई तरह के आरोप लगाए और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता के साथ कंगना रनौत की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई थी, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।